वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स मी यूनिक हियर। और आज मैं आई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज जो है बहुत ख़ास दिन है हमारा, आज है हमारा पाम संडे। तो अभी हम सब रेडी हो गए और हम निकल रहे हैं चर्च के लिए। आज का जो संडे होता है वो हमारा नॉर्मल संडे से बहुत अलग होता है, बहुत ख़ास होता है। तो चर्च जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग पाम संडे जो है वो किस तरह से मनाते हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। हम बर्जलाई के लिए कुछ लेने आए हैं क्योंकि फिर बर्जलाई चर्च में तंग करेगा। बर्जलाई नो, डोंट टच इट, नो। तो इसके लिए हमने लिए बिस्किट्स ताकि चक्कर की जो है हमें तंग ना करे। बस बिस्किट सही है और चिप्स सही है। कहीं पे भी जाने से पहले जो है बच्चों के लिए कुछ लेना पड़ता है ताकि जो है वो तंग ना करें, क्योंकि बच्चों को भूख लगती तो वो तंग करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है चर्च बहुत जल्दी आ गए हैं। अभी तक चर्च में कोई भी नहीं है तो हम लोग बहुत जल्दी आ गए। गाइस तो हम लोग जो है चर्च बहुत जल्दी आ गए, तो मैंने बोला इसका फ़ायदा उठा लिया जाए, इसको थोड़ा सा नाश्ता करा दिया जाए। ये भी करा है नाश्ता। यम्मी, इज इट यम्मी, इज इट गुड। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। पंजाब में पुत्र खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर हासिल हो। इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती और खुशी में जाए। जाके गर्मी में पराठे बनाएंगे, तो अभी चलते हैं घर। जी हाँ, तो हम घर आ चुके हैं बहुत थके हुए। तो आते साथ मैंने बर्जलाई को सुला दिया ताकि मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाए। मैं अब किचन में जाने लगी हूँ पराठे बनाने के लिए, तो आपको साथ ही लेके चलते हैं, फिर कंपनी हो जाएगी ना। फिर
पराठे हमारे बन चुके हैं, हमारी चाय बन रही है कैटल में, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। गैस हमारे कराची में नहीं आती, सुबह शाम किसी टाइम भी नहीं आती। गैस का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे, गैस नहीं आती है। और रोज़े भी चल रहे हैं, बाहर भी कुछ नहीं मिलता और घर में भी कुछ नहीं बना सकते क्योंकि गैस नहीं आ रही। तो ये बड़ा मसला है भाई, बहुत ज़्यादा। चाय फल गई, चाय खोल गई, ओह शिट, चाय खोल गई, हमारी चाय कम हो गई। कितने मसले हैं ना, कितने ज़्यादा। चलो कोई नहीं, हम थोड़ी सी चाय से कुछ ज़्यादा कर देंगे, कम से कम हमें खाने को तो मिल रहा है ना। जी तो नाश्ता बन चुका है, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि रात को भी सही नहीं सोई थी। ज़ाहिर है मेरा छोटा सा बेबी जो कि बहुत तंग करता है, सोने नहीं देता, तो और सुबह चर्च भी था, तो अब मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, बिल्कुल लो, डेड। अब जो है नाश्ता करेंगे, फिर हम कपड़े चेंज करेंगे और फिर हम सो जाएंगे, फिर शाम में उठेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो जैसा दिन गुजरेगा फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मेरा दिन आज का कैसा गुजर रहा है। यकीनन आपको पसंद आ रहा होगा, अभी तक का तो पता नहीं। अब हम नाश्ता करने लगे हैं, चाय जो है वो बहुत मज़े की लग रही है। जैसा कि आपको पता है चाय थोड़ी सी गिर चुकी है, शक्ल देखें आप चाय की, चाय बहुत मज़े की लग रही है। तो नाश्ता करते हैं और फिर सोते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो मेकअप मैंने उतार दिया है सारा, अब जो है हम सोने के पूरे उसमें आ गए, कपड़े भी चेंज कर लिए और हमारे जो घर वाले हैं वो भी आ गए। ये लोग दूसरे चर्च जाते हैं, हम लोग दूसरे चर्च जाते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ ये लोग कैसे लग रहे हैं। मैं तो अब मासी लग गई हूँ, अब ये लोग देख रहे हैं घर पे कैसी लग रही है। मीना पे लाइट नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूँ मैं अच्छी ना लगूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये लोग भी, उन्होंने मैचिंग। ये लोग बहुत मिलते हैं, मैं हूँ और मेरे साथ मैं हूँ। ये सबसे छोटी वाली है, जो सबसे लंबी है, ये देखो मैं सबके सामने कितनी हूँ। ये मेरी छोटी बहन है। और छोटी हो छोटी बन के रहो, दुबई में ये सेलिब्रिटी है। ये हमारे घर की सेलिब्रिटी है। हाँ, किट्टू अपना पूरा लुक दिखाना चाहती है, तो ये है किट्टू का पूरा लुक। ये मैं स्पेशली लेकर आई हूँ। अच्छा, मैंने अपना आधा चेंज कर लिया है। माय पजामास विद माय कुर्ता। ओह वाओ, आप फिर भी अच्छी लग रही है ना। थैंक यू। बाल दिखा दो अपने, नजर लग जाए। थू 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 कर देना गाइस, सारे थू थू करना ही नहीं कि व्लॉग पे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सो के उठे और हमारा प्लान बन गया कि हम कुछ बाहर जाके जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो अभी हम आए हुए हैं बर्गर ओ क्लॉक, क्योंकि भूख लग गई थी, तो अभी हम कुछ खाते हैं। हमारे हैं डेट इसके साथ, ये हमारा डेट स्पॉइलर है, है ना, ऑलवेज बिजी। बच्चे इतना कभी कभी शर्मिंदा करवाते हैं कि ये अभी हमारा ऑर्डर नहीं आया हुआ, तो ये जो है साथ वाले लोगों से मांग मांग के खा रहे हैं, इतना शर्मिंदगी। बेबी अब डाडा गए हैं लेने के लिए ऑर्डर, क्योंकि बेबी से सब्र नहीं हो रहा है। डैडा ने बोला भाई लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ये तो भाई
मांग मांग के खा रहा है हमारा बेटा, मांग मांग के खाते है। मेरे को भूख नहीं लगी इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। ये है हमारे हस्बैंड का, मैं खाऊंगी फ्राइज। तो फ्राइज अभी आ रहे रहे मेरे फ्राइज जो कि बहुत मजे के लग रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कुछ मीठा खाने के लिए। चलो बसी इज वेरी बिजी। हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं। ये रहा हमारा मीठा और इसको देख के मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। खाना पीना हमारा हो गया है डन, तो अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके करते हैं इस व्लॉग को एंड। तो फिर से हम बैठ गए हैं अपनी बाइक पे ये और हम जा रहे हैं घर। तो हम आ गए हैं घर पे। अब जो है रात बहुत हो गई है तो हम लगे हैं सोने वापस से। ये था हमारा छोटा सा दिन जो कि बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये प्यारी सी व्लॉग। अगर आपको मेरी ये छोटी सी व्लॉग पसंद आई है तो इसको करना है लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना। बाय बाय।